दोस्तों सुन टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक, जो राजस्थान के आभूषण चल रहे थे उसका चौथा पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे जो भी अपने पास, एक तो कौन कौन से दो तीन टॉपिक बच गए उनके। तो हम दांत के आभूषण पढ़ लेते हैं। पहले दांत के आभूषणों की ट्रिक क्या हो गई दोस्तों। दांत के आभूषण की ट्रिक है दोस्तों कि चूप रखना दांत में दस जाएगा, यानी चूप रखना दांत में दस जाएगा। चूप से याद रखना दोस्तों, चूप जो आभूषण है वो भी दांत का है, रखना से रखन ये भी दांत का है, ये इससे याद हो जाएगा कि ये दांत की ट्रिक है दोस्तों। मे से याद रखना मेक, ये भी दांत का है, और धस से याद रखना धांस, ये भी दांत का है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, यानी हाथ के आभूषण। दोस्तों कई बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसकी ट्रिक है हाथ के आभूषणों की। बड़ा है दोस्तों ये, ज़्यादा है आभूषणों की, तो इसकी हमने दो ट्रिक बनाई है, कलाई की अलग कर दी और बाँह की अलग कर दी, बाजू की, जो आप जानते होंगे बाजू और कलाई में फ़र्क। तो अब हाथ के आभूषणों के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि हाथ के आभूषणों की ट्रिक क्या हो गई दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है औरत बाजू, यानी औरत की जो बाजू है उसके हारफून अब बंद है। तो औरत से याद रखना दोस्तों आरत, ओ से इस आग की मात्रा को हटा देना, तो आरत याद रखना कहाँ का आभूषण है, ये बाजू का आभूषण है दोस्तों। बाजू से याद रखना बाजू का आभूषण है। हारफून में जो हार छिपा हुआ है दोस्तों, हार से याद रखना दोस्तों हारपान, क्या याद रखना हार से हारपान, और फून से याद रखना दोस्तों फूंदना, ये भी हाथ का आभूषण है। अब में जो ए है उसका अर्थ याद रखना अनत या अनंत, दोस्तों दोनों ही है। ब से याद रखना दोस्तों बट्टा, ये भी इसी का आभूषण है बाजू का। और बंद से याद रखना दोस्तों बाजू बंद, जो ट्रिक है ये इसी की है, बाजू बंद, ये कहाँ का है, ये भी बाजू का है। अब कलाई के देखते हैं कि कलाई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आभूषण हैं उन सभी के बारे में। इसकी ट्रिक है कल गोनो बगड़ी कतरी पूंजी बरेली ले पहुंची। कल गोनो नाम की लड़की है, उसके लिए बोल रहा है ऐसे मान लो, याद रखने के लिए दोस्तों ये कल गोनो बगड़ी, यानी कल गोनो बिगड़ गई और कतरी पूंजी बरेली ले पहुंची, हो गई ना ट्रिक। एक लड़की है उसको बोल रहे कि इतनी बगड़ गई वो कि कतरी पूंजी वो बरेली ले पहुंची, इसी से याद हो जाएगी अपन को कल गोनो बगड़ी और कतरी पूंजी ले बरेली पहुंची। तो इससे देखो क्या हो, देखो कल से हो जाएगी दोस्तों कलाई, कि ये कलाई के आभूषण हैं। गो से याद, गोनों में दो शब्द छुपे हैं गो और नो, गो से याद रखना दोस्तों गोखरू, ये भी कलाई का आभूषण है। नो से याद रखना दोस्तों नौगरी, ये भी कलाई का आभूषण है। बगड़ी से याद रखना दोस्तों बंगड़ी, ये भी कलाई का आभूषण है। कतरी से याद रखना दोस्तों कतरिया, क्या याद रखोगे कतरी से कतरिया। पूंजी से याद रखना दोस्तों पूजी और पुंज, ये दोनों ही कलाई के आभूषण है। बरेली से याद रखना दोस्तों बरेली से बरेल्या, ये भी कलाई का आभूषण है। पहुंची से याद रखना दोस्तों पहुंची, ये भी कलाई का आभूषण है। तो ये है दोस्तों मैंने ट्रिक बताई आपको, ये इम्पोर्टेंट है, और जो अपन को याद है वो तो याद करने की ज़रूरत ही कहाँ, अपन एक बार नज़र डाल लेते हैं कि याद कौन कौन से हैं अपन को। चूड़ा याद है, चूड़ी याद है, कड़ा याद है, कंगन याद है, पाटला याद है, तो ये तो अपन को याद है। लेकिन जो याद नहीं हुए उनकी ट्रिक बनाई है मैंने दोस्तों, 10 से 15 बार रिपीट कर लेना इसको, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। कहानी के माध्यम से याद करना कि कल गोनो नाम की कोई लड़की है, याद करने के लिए दोस्तों, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। कल गोनो बगड़ी कतरी पूंजी बरेली ले पहुंची, यानी इतनी बिगड़ गई वो कि
कतरी, अपने साधारण भाषा में बोलते हैं कितनी को कतरी, ये कतरी पूंजी बरेली ले पहुंची। इससे याद हो जाएगी आपको दोस्तों, एक कहानी टाइप में याद रख लेना इसको, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। तो पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।